परलकोट में कई कबाड़ दुकानदारों के चांदी के जीवन काट रही है। उनकी कबाड़ दुकानों की कोई जांच करने वाला नहीं है और ना ही कोई सख्ती है। इसका नतीजा है कि कबाड़ दुकानों पर लोहा, टीना, पेपर, प्लास्टिक के अलावा दुकानदार वाहन व उपकरण तक की खरीदी कर रहे हैं। इसमें दो पहिया वाहन ही नहीं बल्कि चार पहिया वाहन भी खरीद कर काटे जा रहे हैं। अब ये वाहन चोरी के हैं या फिर कोई स्वेच्छा से बेच रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे कबाड़ दुकानदार भी मालामाल हो रहा है। बता दें कि अक्सर देखा जाता है कि कबाड़ दुकानों पर हर दूसरे दिन एक ट्रक पर सामान लोड होकर बाहर जाता है। सभी कबाड़ दुकानों पर प्रतिदिन फेरी कर कबाड़ का सामान खरीदने वाले रहते हैं और वार्डों में घूम घूम कर खरीदे गए सामान को बेचते हैं। पुराने बैटरी ब्रेक्स वगैरह खरीदते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली का रहने वाला। ये जो बैटरी वैटरी यूपी हावड़ का, ये जो बैटरी वैटरी है, इससे सुना ही में आया कि आप लोग हथियार बनाते हो। हथियार कोई बता तो हथियार बनाते हो तो हम हथियार में दे देंगे सर। और यहाँ जो कबाड़ी खरीद रहे हो आप, कबाड़ी खरीद रहे हो ना, इसका आपके पास कुछ लेटर वेटर है क्या? कुछ नहीं है हमारे पास। कुछ नहीं है लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कागज में हमारा महीना भी जाता थाने में। कहीं ना कहीं आप लोग दो नंबर ही काम कर रहे हो। वहीं अब प्रश्न यह उठता है कि अधिकांश कबाड़ दुकानों का लाइसेंस नहीं है, इसकी जांच प्रशासन द्वारा कराई नहीं जा रही है, फिर इन कबाड़ दुकानों में कैसे सामान खरीदा या बेचा जा रहा है, इसके बारे में जानकारी कैसे होगी? यहां तक कि बाहर से कुछ व्यापारी आकर पखांजूर में घर लॉज किराए पर लेकर कबाड़ खरीदी की जा रही है, जिसमें बैटरी बड़ा छोटा, बैरिंग का, मोटर आदि। पिछले कुछ दिन पूर्व जब मीडिया के टीम को पता चला कि बाहर से कुछ व्यापारी पखांजूर में रहकर कबाड़ी सामान खरीद रहा है, तो उनके पास जाकर पूछने पर उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे साबित होगा कि बाहर से आकर कबाड़ खरीदने का परमिशन है। यहाँ तक कि उनके पहचान का कोई कागजात नहीं है। उन कबाड़ व्यापारी को पूछने पर कभी दिल्ली, यूपी, राजस्थान का रहने वाला बताते हैं। सही पता नहीं बोला जा रहा। क्षेत्र अति संवेदनशील है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।